नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश एक और नए से व्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हुए, कल का स्टे मैंने इस गाड़ी में किया था, तो जो गाड़ी आप पीछे देख रहे हो, और इनके मालिक घर चले गए। उन्होंने कहा था कि यार घर चलना है तो घर चलो, नहीं तो अदरवाइज़ गाड़ी में स्टे कर लो। तो मैं सोचा यार गाड़ी में स्टे कर लेता हूँ, और गाड़ी यार फुल भरी है माल से, कुछ डिलीवर करना होगा इनके वार्ड में। तो उन्होंने स्पेशली मेरे भरोसे गाड़ी को यहाँ पर रोका है, और इस टाइम मैं हूँ ये ढाबे पर, तो ढाबे पे वो गाड़ी रोक के चले गए। तो वो अभी आ जाएंगे अराउंड 9:30 के आसपास। इतने मैं ब्रश व्रश करके फ्रेश होके नहा धो के फिर मैं रेडी हो जाता हूँ। तो भाई साहब नहा धो के तैयार हो गया हूँ, और अपने भाई आ गए हैं। और भाई ठीक है? बस मजा है आपकी दया। राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आपका नाम क्या भाई? मैं नाम है। अच्छा, और आपका भाई? ये दोनों भाई आपके पड़ोसी हैं? ये मेरा पड़ोसी है। अच्छा, ये मेरा भाई है। अच्छा, तो ये दोनों भाई मेरे से स्पेशली मिलने के लिए आए हैं। तो भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आप मेरे लिए आए हैं। आप अपन रात में चले बाइक लेकर आए, ये बोले सुबह अपन और मिलेंगे आपसे। हमने भी सोचा आप इधर आए हुए तो वापस आ गए, मिलने के लिए आए हैं। कम से 20 किलोमीटर से आप आए हैं मिलने। अभी दस गुजर आपके आम का इधर हम लेट हो रहे, नहीं आएंगे तो हम आपको मिलने के लिए आए। अब मेरे को बहुत खुशी हुई है। अच्छा, खुशी हुई है। तो देख सकते हो यार, क्या नाम है, राजस्थानियों का दिल कितना बड़ा होता है कि स्पेशली मेरे से मिलने के लिए आए हैं। और बारिश वारिश कैसी हो रही है? बारिश सबकी बार बारिश है। पहली बार देखी हमने बारिश, 20 साल का हो गया अभी, ऐसी बारिश पहली बार हुई है। अच्छा, पहली बार हुई है ऐसी बारिश यहाँ पे? बारिश खेती बोते ही ऐसी बारिश पहली बार हुई है। होती है कम, होती ज्यादा नहीं होती। अभी बार तो बारिश ने जोरदार बारिश हो गई, किसी टाका भी भर गया, बहुत बारिश हो गई, फसल भी बहुत है। गार मोट बाजरा बोया हुआ वो भी ठीक है, इसका ट्रैक्टर है ये खेती करता है लोग, बहुत अच्छा है। तो मतलब मेन क्या उगाते हो यहाँ पे? मेन तो बाजरा है। बाजरा? हाँ, मूंग है, मोट है। हमारे इधर वो बेरा नहीं होता, जो हमारे ट्यूबवेल ट्यूबवेल नहीं होता, हमारे सिर्फ ट्यूबवेल नहीं होता। 12 महीने फसल से बाजरा होता है, बारिश से बाजरा होता है, वो 12 महीने के लिए होता है। एक ही फसल होती है, मतलब 12 महीने एक फसल होती है हमारी। अच्छा, यहाँ पे पानी ट्यूबवेल बहुत खारा पानी, मीठा पानी पीने के लिए लोगों के है, गवर्नमेंट की ट्यूबवेल है। अच्छा, वो पीने के लिए टांका खुद आते। फिर आप वो बता रहे थे कि ना मैं कि ट्यूबवेल का मतलब खर्चा ज्यादा आता है, इसीलिए लोग लगा नहीं पाते। खर्चा नहीं, हम बहुत खुद आदमी है ट्यूबवेल। हाँ हाँ, अंदर में पानी मीठा नहीं है। अच्छा, वो जो पानी डालेंगे थे जमीन पे, हाँ, तो ये क्या पूरा खार हो जाएगा, नमक हो जाएगा, नमक जैसा पानी है। आप पानी किसी के जमीन पर डाल दिया तो बाद में फसल नहीं होगी। जहाँ पे वो ट्यूबवेल खोदा का पानी डाल दिया तो उधर फसल भी नहीं होगा, बाजरा ही नहीं होगा, दो तीन साल नहीं होगा। फिर वो बकरी गाय का खार डालेंगे फिर होगा खारा पानी, इसीलिए हम बारिश से भी खेती करते हैं, बाकी होता नहीं उधर। अच्छा, पिछली बार तो बारिश हुई नहीं, अकाल हो गया। बाकी मेरा निधन, मैं आपकी तरफ रोड पे घूम रहा हूँ, ये गांव में ज्यादा रहते ये रात में सले मेरी आए अपने को लेने के लिए, अब ये बाइक लेके वापस आए। बाइक देख लो अपना, मेरी तो चिंद्री से नीमपुर जाने वाली सड़क पर दुकान है, टायर पीछे की किराना की, चाय की होटल है, खाना वगैरह की। आप उधर आओ तो मिलना कभी। हाँ, जरूर मिलेंगे भाई, जरूर मिलेंगे। बारिश तो अभी ऊपर है। हाँ, बारिश मानसून तो आ रहा, पर बारिश आ नहीं रही है, होने वाली है, घर भी नहीं जा रहा, लग रहा आ जाएगी। इधर भी ये हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर है, इधर भी कोई ट्यूबवेल नहीं है। अच्छा, ये बाढ़ भी एरिया सूखा है, अभी तक कोई बारिश है नहीं, कोई पानी आया नहीं है, कोई नहर का पानी है नहीं, नहर का पानी। जहाँ पे आप रात में आए वो पीछे जाड़ोर दाड़म होता फुल, उधर पानी मीठा, पूरा दाड़म का खेती, बंगाल सब जगह दाड़म जाते। दाड़म क्या होता है? मतलब दाड़म वो खाने के लिए होते हैं। अनार 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 की खेती होती है वहाँ पे। कहाँ पे? जालोर में खेती होती है। अभी 10 महीने शुरू होगा, 5वां महीने तक चलेगा खूब। अच्छा, हमारा सरपंच है गांव का, उसका उधर खेत है जियाना। आप रात में अपने वो टाइम फोड़ के फिर रोड चढ़े उधर। तो भाई साहब अभी थोड़ी देर में करते हैं आपसे बात, और थोड़ी देर अभी और थोड़ी सी पर्सनल बातें करेंगे भाई से। ओके जी, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद साहब। ओके जी, मिलेंगे साहब, और मिलेंगे अगली बार, ये इधर आएंगे, शादी भी करनी है इधर, क्या कराएंगे किसी लड़की से। ओके जी, मेरा भाई थोड़ा देर बात करते हैं। भाई साहब अपनी जर्नी हो गई है स्टार्ट, भाई मेरे साथ ही है कल से, तो आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ? कैसा है यार,
अब मेरे को तो मजा आ रहा भाई के साथ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ मेरे साथ मिलो, आप तेरे वीडियो बनाते रहेंगे, आप हर स्टेट जाएंगे। अच्छा इधर मियाँ जाने और पूरा भारत में होगा। तो आप देख सकते हो यार, वो तो दिल मिलने की बात है, नहीं तो यार हम तो एक दिन पहले अनजान ही थे और भाई बोल रहे हैं कि नाम है कि आप मेरे साथ ही रहो, ऑल ओवर इंडिया मेरे साथ ही घूमो। देख सकते हो यार आप, ये होता है ना, मतलब दिल से कनेक्शन बन जाता है कहीं घूमते हो तो। आप कभी कल चलेंगे गुजरात, गुजरात से चलेंगे बिहार, बंगाल उधर। अच्छा आप बोले तो वहाँ का लौट कर लेंगे, जहाँ आपका दिल मिलेगा वहाँ मेरे को उस लहजे में घूमना है, वहाँ का लौट कर लेंगे। तो देख सकते हो यार, चलो तो फिर अभी आगे के नज़ारे में दिखा देता हूँ नज़ारे कैसे। भाई साहब हम पहुंच गए बाड़मेर और भाई और मेरा सफर यहीं तक का था। थैंक यू भाई यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए, धन्यवाद आपको दे रहा हूँ। ओके जी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओके तो भाई साहब फाइनली हम हैं बाड़मेर में और बाड़मेर से हम जा रहे हैं जैसलमेर के लिए। जैसलमेर के लिए इसलिए बाड़मेर में इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि अराउंड में चार पांच लोगों लोकल्स हाँ जी तो अराउंड पांच छह लोकलों से मैंने बात की कि यार बाड़मेर में घूमने लायक क्या है ये बताओ आप। तो वो ही बोले कि यार कुछ नहीं है, हम खुद यार माउंट आबू जाते हैं या जैसलमेर जाते हैं घूमने के लिए, और नेट चल नहीं रहा है यहाँ पे यार। यहाँ पे शायद नेट इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ पे रीट की परीक्षा है, तो उस वजह से नेट चल नहीं रहा है। कुछ नेट नहीं चलेगा तो यार मैं खुद नहीं सर्च कर पा रहा कि यार कौन सी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ जैसलमेर के लिए। जैसलमेर यहाँ से है 165 किलोमीटर, तो चलते हैं भाई जैसलमेर। तो भाई साहब दिन की पहली लिफ्ट मिली है मेरे को, क्या नाम है आपका भाई? विवेक भाई ने लिफ्ट दी है। अराउंड कितने किलोमीटर की? चला था 3 या 4 किलोमीटर और ये भाई मेरे को मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? रामलाल। और आपका जी? कमलेश। और आपका जी? सर भाई। और आपका भाई? मुकेश। एंड आपका? मुकेश। और ये सब आपको एग्ज़ाम देने आए हैं? पिछले एग्ज़ाम है राजस्थान में। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए नेट नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो यार जैसे भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है ना तो यहाँ पर नेट बंद कर देते हैं हमारे वहाँ पर। होने की वजह से नेट मतलब जिले की 20 किलोमीटर दायरे के अंदर ही बंद है। अच्छा, बात चालू है। अच्छा तो नकल नहीं कल। अच्छा तो फिर कैसी तैयारी है आपको? तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा तो क्या नाम है, शिफ्ट वाइज पेपर होते होंगे ना? क्या है मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है तो स्टूडेंट ज़्यादा है, फॉर्म ज़्यादा भरे गए, तभी 4 शिफ्ट में एग्जाम करवाए। आज लास्ट बारी अभी 3। अच्छा आपकी होगी फिर? हमारी लास्ट ही है। अच्छा तो भाई बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। तो भाई साहब अराउंड मैं चला आऊँगा आधा या 1 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर के लिए लिफ्ट दी इन भाइयों ने, तो एक बार इनको इनका इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ मैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम धन सिंह है। अच्छा, मेरा गांव बोनाड़ा है, मैं जैसलमेर का रहने वाला हूँ। अच्छा, और आपका भाई? छोटू सिंह। धन्यवाद भाई लिफ्ट देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आगे घूमते रहिए। अच्छा और कुछ कहना चाहोगे? और क्या? और तो यही है कि भाई को भी जोश और जुनून होना चाहिए हर बंदे के अंदर, कुछ भी कर सकता है बंदा। हाँ
तो भाई साहब अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे और बाहर के नज़ारे मैं दिखा देता हूँ कैसे हैं नज़ारे। और बारिश कैसी हुई थी वैसे इस बार? बारिश बहुत अच्छी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, बारिश बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, मैंने सुना था क्योंकि इस बार है ना पिछले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हाँ, बारिश ज़्यादा। अच्छा, और फसल क्या क्या होती है यहाँ पे वैसे? फसल जीरा होता है, अभी तो ग्वार है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, ज्वार है, ये चीज़ है। अच्छा, वो एक मिर्च होती है वो? हाँ, हरी मिर्च अभी इसी मौसम में होगी। और वो लाल वाली मिर्च? लाल मिर्च उसी में होगी, हरी मिर्च। अच्छा, यहीं पे होती है वो? हाँ, यहीं पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई साहब थोड़ी देर में मिलते हैं फिर आपसे और नज़ारे में दिखा देता हूँ बाहर के। वो नया समय समाप्त हो रहा था 7:30। अच्छा, अराउंड 50 किलोमीटर की लिफ्ट के बाद शिव में पहुंच गए हैं और इन भाइयों ने मेरे को खाने के लिए ऑफर किया है, तो यार मैं मना भी नहीं कर पाया क्योंकि यार इतने दिन से बोल रहे थे, तो एक साथ हम अभी लंच कर रहे हैं। खाना यहाँ का बहुत बेस्ट है। राजपूताला मीट होटल। अच्छा, ये मेन हाईवे पे पड़ता है ना? हाँ, मैं हाईवे बाड़ी घर पे हाईवे पर। अच्छा, बा ये जो जैसलमेर से आए तो कितना किलोमीटर पड़ेगा? यहाँ से 100 किलोमीटर। अच्छा, जैसलमेर से 100 किलोमीटर इस साइड आओगे तो ये हाईवे पे ही पड़ेगा ये होटल। और अगर आप वहाँ से आते हो क्या? बाड़वे से यहाँ से बाड़वे 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तो ये रेस्टोरेंट बीच में पड़ता है। बीच में तो खाना ज़बरदस्त है यहाँ का है। और क्या नाम है, और तो मैं क्या बताऊँ, बस आप यहाँ पे आके टेस्ट करोगे तो ही पता चलेगा। वो तो आप बहुत ही अच्छा है भाई, भाई रहता है ना, भाई रहता तो भाई रहता है। तो भाई साहब अभी खाना वाना करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ओके जी, बाय बाय। तीनों भाई है, हम तीनों एक ही माँ के बच्चे हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों एक ही माँ के बच्चे हैं। ये भारत ट्रेल पे निकले हैं और हम हमारे गांव जा रहे हैं। अभी हमारा मुलाकात हुआ है और हम कभी ज़िंदगी में मिलेंगे तो हमारा भाई मिलेगा ज़रूर हमें, और हम हमारी कोशिश करके एक बार दूसरी बार और भाई को मिलेंगे ज़रूर। थैंक यू, गुड बाय। भगवान इनकी यात्रा संपूर्ण करे और कोई दिक्कत हो भाई को तो भाई हमें नंबर दे दिए भाई को, और हमारा संपर्क करें, हम जो हमारी मेहरबानी होगी वो हम भाई पे करेंगे बिल्कुल। और हम तीनों भाई हैं, एक ही माँ के बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये माँ कौन है, ये माँ कौन है, ऐसा नहीं होगा। हम तीनों एक ही माँ के बच्चे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर आप जाइए आराम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे मिलेंगे कभी, और कोई परेशानी हो तो हमें याद करें। ओके, और हम जहाँ भी होंगे आपको तुरंत मिलेंगे। हाँ जी, ठीक, धन्यवाद। तो अब भाइयों को अलविदा बोलने का टाइम आ गया है, ये अपने गांव में चले जाएंगे और मैं जैसलमेर चला जाऊंगा। यहाँ से 103 किलोमीटर है जैसलमेर। धन्यवाद भाई यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए। धन्यवाद, और कोई भी परेशानी हो तो हमें बिल्कुल याद कीजिए। ओके भाई, जहाँ भी होंगे आपके पास आएंगे। ओके भाई, ओके जी, बाय बाय, फिर मिलेंगे। हाँ जी, ओके। तो अभी चलते हैं भाई आगे, देखते हैं लिफ्ट कब तक मिलती है।